हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? प्रणाम ससुर जी, मैं आपका दामाद सुखीलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जमाई बाबू, घर में सब आनंद मंगल है ना? कहने का मतलब हमारी बेटी शांति के साथ तुम खुश तो हो ना? यही तो रोना है बाबू जी, आपकी बेटी बस नाम की शांति है और उसने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। ओह नो! आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जमाई बाबू? अरे हमारी बेटी तो एकदम गाय है गाय। हाँ बाबू जी, आपकी बेटी तो एकदम गाय है, लेकिन वो दूध नहीं देती, हर वक्त बातों के सिंग मारती रहती है। क्या हुआ जी, आप इतने लंबे समय से फोन पर किस कमीने से बात कर रहे हो? अरे कोई नहीं भाग्यवान, मैं तो अपने ससुर मतलब तुम्हारे पापा से बात कर रहा हूँ। तो आपके मुंह में जबान नहीं है क्या, या गूंगे हो गए हो? पहले नहीं बोला कि मेरे पापा से बात कर रहे हो? अरे भाग्यवान, तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया जो मैं कुछ बोलूँ। अब मुझसे फालतू की बहस मत करो और चुपचाप जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ, मुझे अपने सहेली की जन्मदिन की पार्टी में जाना है। सुन रहे हो ना ससुर जी, आप आपकी बेटी किस तरह से मुझ पर सितम ढा रही है। अरे खुद खा खा कर मोटी भैंस हो गई है और मुझे हलवाई बना के रखा है। oh, no. अब तुम्हें कैसे बताऊं बेटा, मेरे पास तो उसकी भी माँ है, मैं खुद तुमसे बर्तन मांजते हुए बात कर रहा हूँ। अरे मेरे पापा से क्या मेरी शिकायत किए जा रहे हो? तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? दो दिन के बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, इन्हें कब मांजोगे? सुन रहे हो ना ससुर जी, अब आपकी बेटी मुझे बर्तन मांजने को बोल रही है। चुपचाप मांज दो जमाई बाबू, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो मैं एक दिन काम ना करूँ तो उसकी मम्मी चिमटा गरम करके मेरा पिछवाड़ा जलाती है,